आप सर, मैं हूँ शिल्पा सूरी और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जिस पैक के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप उसे घर पर स्टोर भी करके रख सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है पैक बनाने के लिए, बेसन ले निकालना पड़ेगा, विटामिन ई के कैप्सूल निकालने पड़ेंगे, आपको बहुत ज्यादा आलस आ रहा है कि मुझे आज पैक नहीं लगाना है, तो फ्रेंड्स आज मैं आपको इतने अच्छे पैक के बारे में बताऊंगी जिसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। आपको जस्ट 10 मिनट्स इसे लगाना है, आपको हर रोज 10 मिनट के लिए अप्लाई करना है, इसकी मसाज करनी है और आप एक महीना इसे यूज करके देखिए, आपको अपनी स्किन पे इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपकी स्किन इतनी फेयर और ग्लो करेगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसे बनाना कैसे है, इसे स्टोर कैसे करना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पहले इसे बनाना कैसे है, फिर मैं इसे अपने स्किन पर आपको अप्लाई करके बताती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। प्लीज फ्रेंड, लाइक कर दीजिए। आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसका कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ ये पैक बनाना कैसे है। सबसे पहले हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी, इससे हमारी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, हमारे फेस पे निखार आएगा। और सेकंड हमें चाहिए लेमन, हाफ लेमन मैंने यहाँ पे लिया। लेमन में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इससे जो भी हमारे फेशियल हेयर होते हैं वो भी ब्लीच हो जाते हैं। थर्ड हमें चाहिए गुलाब जल, अगेन गुलाब जल से हमारे चेहरे पे निखार आएगा, ग्लो आएगा, हमारा फेस, हमारी स्किन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। और ये है बेसन, मैंने यहाँ पर हाफ चम्मच बेसन यूज़ किया था। और अब हमें लेनी है एक खाली कटोरी, आप या फिर प्लास्टिक की कटोरी ले या फिर कांच की कटोरी। सबसे पहले मैंने एक बड़ा चम्मच इसमें मुल्तानी मिट्टी का ऐड करना है, ये देखिए एक बड़ा चम्मच मुल्तानी मिट्टी का। आप चाहे तो 7 क्यूब्स आइस क्यूब्स इसकी बना के रख सकते हैं। हाफ़ बेसन, हाफ चम्मच मैंने इसमें बेसन यूज़ किया था, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मुझे लेमन ऐड करना है, हाफ लेमन मैंने इसमें ऐड किया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए हाफ लेमन इसमें ऐड करना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप लेमन को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें मैंने रोज़ वाटर ऐड किया है, 2 चम्मच मैंने इसमें रोज़ वाटर ऐड किया था। हमने इसकी आइस क्यूब बनानी है तो इसलिए हम इसमें प्लेन पानी भी लेंगे, सिंपल पानी जो हम अपने पीने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें इसे बिल्कुल पतला बनाना है तो इसमें पानी हमने ऐड करना है। ये देखिए अब मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है, अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिए, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल पतला। ये देखिए ऐसा बिल्कुल पतला पैक बनाना है आपको। अब एक साफ ट्रे ले लीजिए, इसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए और क्यूब्स बनाने के बाद भी इसे अच्छी तरह से वॉश कीजिए। अब इसमें मैंने ये जो पैक बनाया है मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आप 1 वीक के लिए बना रहे हो तो आप 7 आइस क्यूब्स बना सकते हैं। ये देखिए मेरी आइस क्यूब बन चुकी हैं, 4-5 घंटे आपको इसे रखना है फ्रीज़र में। तो अब आपको एक क्लीन हैंकी या फिर कोई भी क्लीन कपड़ा लेना है, मैंने यहाँ पे एक क्लीन हैंकी लिया है, इसको आपने इस हैंकी के बीच में इस आइस क्यूब को रखना है और अपने फेस पर अच्छी तरह से इसकी मसाज करनी है, अपने पूरे फेस पर इसकी मसाज अच्छी तरह से कीजिए। समन में आइस क्यूब तो वैसे ही हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, और अब इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड हो गई है, गुलाब जल ऐड हो गया है, बेसन ऐड हो गया, तो आप सोचिए हमारी स्किन को कितना अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप लेमन को स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसकी मसाज करिए अपने पूरे फेस पर, और अब 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ दें। अब क्लीन अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए, फेस वॉश कर लीजिए अपना साफ पानी से। मैंने जस्ट पानी से अपना फेस वॉश किया है, तो देखिए आपको मेरी स्किन कितनी क्लीन लग रही है। ये ऑल स्किन टाइप है, कोई भी स्किन वाला इसे यूज़ कर सकता है। प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, आप भी इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।